परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंभा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूं आप लोगों की तरह, गंगानाथ जी को गुरु बना लिया, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो गुरु बना लिया। मैं तो नहीं जानता था गुरु क्या करता है, वो ब्रह्मलीन हुए, आदेश दे दिया आगे काम तेरे को करना है। मैं रेल में हेड क्लर्क था, 11455 से 30/6/86 तक नौकरी की, गुरुदेव का आदेश से 7-8 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये काम किया। 1990 से मैं ये प्रोग्राम निरंतर चला रहा हूँ, 3 दफ़े यूएसए गया, 1 दफ़े इसराइल किया। इसराइल में मेरे हजारों शिष्य हैं जो केवल तस्वीर से ध्यान करते हैं, अमेरिका में भी हजारों औरतें स्टूडेंट्स ध्यान करते हैं और उससे योग होता है, रोग मिट रहे हैं, एड्स कैंसर मिट रहे हैं। तो कुंडलिनी योग करवाते हैं, इस में बहुत परेशान है पश्चिम वाले, हमारे देश के लोग हैं। तो गुरुदेव की हेतु की कृपा के कारण से मेरे को एक सामर्थ्य प्राप्त हो गई। 1990 से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। पहले बीकानेर में था, फिर ये सूर्य नगरी में आ गया। ये दीक्षा दूं उससे पहले आपको बताऊं कि ये दर्शन क्या है, कुंडलिनी क्या है, खिचड़ी मुद्रा क्या है। गुजरात में गया, मेरे को कहने लगे जी एक अचंभा है कि केवल आपकी तस्वीर से योग हो रहा है। मैं एक गृहस्थी आदमी हूँ, बीमार तो सभी होते हैं, मैं भी बीमार हुआ, डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे यूपी के, उन्होंने कहा आपको मार्केज की दशा है, मार्केज की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केज क्या होता है, उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो दुबे जी है तो सभी को आएगा। तो कहने लगे बचने के उपाय भी हमारे दर्शन में, महामृत्युंजय का जप करो। वो मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने कहा दुबे जी अपना से ये नहीं होगा, आने दो मार्केज। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री जप से भी हो सकता है, तो मैंने किया वो बाकायदा यज्ञोपवीत धारण करके 1,25,000 जप किया। पहले नहीं जानता था गायत्री का अर्थ क्या होता है, उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आधा सौ आँख खुल गई, सर्दी की नवरात्रि शुरू किया था 1 जनवरी को, तो क्या देखता हूँ कि मेरा शरीर जो है, फिजिकल बॉडी जो है, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, एक मतलब एक दूधीय प्रकाश की तरह अंदर ही अंदर। आँख बंद थी, फिर उस प्रकाश को ध्यान दिया तो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से, मैंने तो कंठ से जपा था 1,25,000, वो नाभि से जपा जा रहा है, और सारे लीवर हार्ट ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। एक मेरे शिष्य हैं दलपत सिंह दिनकर, उनको भी ऐसी अनुभूति हुई। तो एक विचित्र तरह का प्रकाश, मेरी बॉडी एनलाइटेड हो गई। फिर विवेकानंद जी आगे बीच में, उन्होंने कहा गुरु बनाए बनाए इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। वो बीकानेर से उत्तर की तरफ 27 किलोमीटर आश्रम है उनका आज भी।
तो इस प्रकार मुझे ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई, इनोसेंट वे में हो गई। मैं नहीं चाहता था ऐसा होगा,